यूडाइस प्लस पोर्टल पर वर्तमान में हमने लगभग सभी कार्यों को पूर्ण कर चुके हैं। कार्यों की यदि हम बात करें तो इसमें हमने छात्रों की प्रोफाइल अपडेट किया, टीचर्स प्रोफाइल अपडेट किया, इसके अतिरिक्त स्कूल की जो प्रोफाइल थी इसे भी हमने इसमें अपडेट किया। और कार्यों को पूर्ण कर देने के उपरांत इसका जो पूर्णता प्रमाण पत्र है इसे डाउनलोड करने के भी ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं, जिससे आप कार्यों का जो पूर्णता प्रमाण पत्र है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, और जो समस्या है प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों के साथ में समस्या है, और वो समस्या है ड्रॉप बॉक्स में छात्रों का प्रदर्शित होना। अब ड्रॉप बॉक्स में कौन से छात्र प्रदर्शित होते हैं और इन्हें कैसे हटाना है लास्ट के वीडियो में हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी सरसरी तौर पर हम समझेंगे कि ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं वे कौन से छात्र हैं और इन्हें कैसे हटाना है। जैसे हम देखें ड्रॉप बॉक्स में जैसे ही हम साला के लॉगिन आईडी से देखते हैं तो हमारे लॉगिन आईडी पर कुछ ना कुछ छात्र ड्रॉप बॉक्स में जरूर प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसी शालाएं जिनके ड्रॉप बॉक्स में छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जिन शालाओं के ड्रॉप बॉक्स में छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हें अतिरिक्त कार्य करना ही होगा। अब हम समझ लेते हैं कि ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र आए हुए हैं आखिर वे कौन से छात्र हैं। सही मायने में इन्हें हम समझें तो जो ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं वे छात्र साला त्यागी है शासन के विभाग की नजरों में, अर्थात जो ड्रॉप बॉक्स में छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उन्होंने साला में अध्ययन करना छोड़ दिया है, उन्होंने साला त्याग दिया है। अब ऐसे छात्रों को क्या करना है, कैसे ड्रॉप बॉक्स से हटाना है इसे हम समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से यदि हम देखें तो दो तीन प्रकार के छात्र हो सकते हैं। पहले ऐसे छात्र जो कि डुप्लीकेट हों, डुप्लीकेट से तात्पर्य कि एक ही छात्र के दो पीईएन नंबर जनरेट हो गए हैं और एक पीईएन नंबर से वो हमारी शाला में मैप हो गया है, लेकिन जो दूसरा पीईएन नंबर है वो हमने उसे टीसी इशू कर दिया और वो छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में आ गया। दूसरा ऐसे छात्र जो कि पलायन कर गए हों, हमारे ग्राम में है ही नहीं। और तीसरा ऐसे छात्र कि जो कि हमारे ग्राम में तो है लेकिन वो साला में अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अब तीसरे प्रकार के जो छात्र हैं इनके लिए हमें मेहनत करना है। ऐसे छात्र जो हमारे ग्राम में हैं लेकिन वो किसी भी साला में अध्ययनरत नहीं है, तो ऐसे छात्रों को आपको साला तक भेजना है, उनका प्रवेश कराना है। पलायन हो गया है तो ऐसे छात्रों को की जानकारी आप अपने पास में रखेंगे और ऑनलाइन भी इसे अपडेट करेंगे। अब हमने सारा सर्वे कर लिया जो हमारे ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं, प्रत्येक छात्र के घर में जाकर हमने संपर्क किया, ग्राम में जाकर संपर्क किया और इनकी जो वास्तविक स्थिति है वो हमारे पास में आ गई। जब आपके पास में वास्तविक स्थिति आ गई कि संबंधित जो छात्र है इसका पलायन हो गया है या फिर जो छात्र है वो किसी अन्य शाला में प्रवेश ले चुका है या फिर इस प्रकार से जो भी सर्वे के आपके बिंदु आए होंगे उन सभी बिंदुओं को आपको अपने पास में रखना है, क्योंकि इसकी जानकारी आपको वरिष्ठ कार्यालय में देना होगा। इसमें बता दें कि आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो ड्रॉप बॉक्स में छात्र है इन्हें हटा नहीं सकते, इन्हें केवल आप जोड़ सकते हैं। जो इंपोर्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपने दर संख्या में यूडाइस प्लस पोर्टल की जो दर संख्या है इसमें जोड़ सकते हैं केवल इंपोर्ट वाले ऑप्शन से। लेकिन इसमें प्रश्न वही है कि संबंधित छात्र यदि हमारी शाला में है ही नहीं तो हम इंपोर्ट क्यों करें, हमें जोड़ना नहीं है ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में इसकी वास्तविक स्थिति हमें बताना है और वास्तविक स्थिति आपको हार्ड कॉपी में जमा भी करना होगा अपने वरिष्ठ कार्यालय में, साथ ही ऑनलाइन भी यूडाइस प्लस पोर्टल पर दर्ज करना है। अब ऑनलाइन कैसे दर्ज करना है इसके लिए आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इसमें आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स एक ऑप्शन दिया रहेगा, इसे आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और आपकी शाला में ड्रॉप बॉक्स में जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि अपडेट करने के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर छात्र का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी जानकारी इसमें दी गई है, पीईएन नंबर जो है वो भी दिया गया है, किस क्लास में था छात्र उसका स्टेटस दिया गया है। अब इसमें हमें क्या अपडेट करना है, हमने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में पता चला, जैसे हम एक छात्र को लेते हैं, अब सर्वे हमने किया, सर्वे करने के बाद में यहाँ पर डू यू वॉन्ट टू चेंज द स्टूडेंट स्टेटस एंड रिमार्क, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना है। जैसे हम टिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन ओपन होंगे। अब सबसे पहले स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मार्क इनएक्टिव, दूसरा लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करेंटली ड्रॉप आउट, अर्थात जो छात्र है वो हमारी शाला से बिना टीसी के चला गया है और वर्तमान में ड्रॉप आउट है। दूसरा जो ऑप्शन इसमें है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट, अर्थात हमारी शाला से वो टीसी के साथ में गया है
और वो वर्तमान में ड्रॉप आउट नहीं है। और तीसरा जो इसमें दिया गया है, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, अर्थात बिना टीसी के हमारी शाला से चला गया है लेकिन वर्तमान में ड्रॉप आउट नहीं है, नॉन ड्रॉप आउट है। तो इस प्रकार से हम देखें तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो जो भी आपके सर्वे के दौरान बिंदु आता है, स्टेटस आता है छात्र का, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट, जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करते हैं। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद में आपको रिमार्क भी सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसके पूर्व यदि हम देखें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं रिमार्क में एनए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें छात्र की जो वास्तविक स्थिति है वो ऑनलाइन अपडेट करना है। जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। अब रिमार्क में हम देख लेते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, इसमें टाइप नहीं करना है, बिंदु आएंगे, आपको केवल उन बिंदुओं को सेलेक्ट करना है, उनमें जो भी छात्र के लिए सुटेबल होगा आपके सर्वे के आधार पर वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हम रिमार्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नो, दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, अर्थात छात्र जो है वो किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहा है हमारे ही ब्लॉक में, तो इस प्रकार से एक ऑप्शन इसमें आ गया। थर्ड जो इसमें ऑप्शन है माइग्रेट टू अदर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, अर्थात छात्र जो है वो किसी अन्य विकासखंड में या फिर जिले में चला गया है। इसी प्रकार माइग्रेट टू अदर स्टेट, किसी अन्य राज्य में छात्र चला गया है या फिर किसी अन्य कंट्री में छात्र जो है वो चला गया है। इस प्रकार से हम देखें तो माइग्रेट के तीन चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया है, अंतिम ऑप्शन, गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, अर्थात जो ओपन विद्यालय होते हैं यदि उसमें पढ़ रहा हो तो वो ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने जो सर्वे किया है तो सर्वे में लगभग इतने ही बिंदु आएंगे, इनमें से जो भी बिंदु छात्र के लिए सुटेबल हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे हम इसमें बात करें कि जैसे छात्र जो है वो किसी अन्य ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में चला गया है और वहाँ पर हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, तो हम जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा जिसे आपको ओके करना है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो भी आपने रिमार्क में सेलेक्ट किया है पॉइंट वो यहाँ पर आ जाएगा। पहले आपने देखा था कि इसमें एन ए लिखा था, तो इस प्रकार से जो ऑनलाइन छात्र का स्टेटस है हमारे सर्वे के उपरांत वो आपको इसमें अपडेट करना होगा। जब आपने अपडेट कर लिया तो इसकी जो हार्ड कॉपी है, जो सर्वे आपने किया है, जितने भी ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं उन सभी का आपको सर्वे करना है। और सर्वे के दौरान यदि छात्र आपके ही ग्राम का है और वो ड्रॉप आउट है, शाला त्यागी है, तो आपको तो इम्पोर्ट कर लेना है। लेकिन यदि आपकी शाला में है ही नहीं और वो किसी अन्य ब्लॉक में चला गया है, किसी अन्य स्कूल में चला गया है, तो इसके लिए ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जिन्हें आपको ऑनलाइन यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके उपरांत इसमें हो सकता है कि ऑनलाइन वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा संबंधित जो छात्र हैं ड्रॉप बॉक्स में उन्हें हटा दिए जाएं या फिर कोई अन्य जो ऑप्शन है वो इसमें दिए जाएं। तो केवल सर्वे का जो कार्य है वो शिक्षकों को करना है और करने के उपरांत इसकी जो जानकारी है इसे ऑनलाइन अपडेट कर देना है और इसकी जो जानकारी है हार्ड कॉपी में आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय में भी दे देना है। तो आशा है ड्रॉप बॉक्स के संबंध में जो जानकारी दी गई है आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।